प्रदेश में हथकरघा व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी कई योजनाएं लाई जा रही है ताकि यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। सरकार द्वारा धर्मपुर में एक बांस प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम द्वारा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सीओ में बांस प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें निगम द्वारा 1 करोड़ की लागत से आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। इस केंद्र में बेरोजगारों को बांस के बर्तन व फर्नीचर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में हथकरघा व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं ला रहे हैं, जिसमें बांस व रेशम से निर्मित होने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में ये बांस प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। चाहे हमीरपुर उन्ना का एरिया है, बिलासपुर का एरिया है या आधा मंडी है, कांगड़ा का एरिया है, जहाँ वीविंग का काम कम होता है वहाँ पर हम बैम्बूज के विशेष ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। बैम्बूज ट्रेनिंग सेंटर हम सीओ में खोल रहे हैं, जहाँ धर्मपुर क्षेत्र में आता है ये। वहाँ हमारा सेट तैयार हो गया है, इसमें हमारी 1 करोड़ के लगभग की मशीनरी आएगी और इसमें जो लोग बैम्बूज जहाँ ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों को हम बैम्बूज का फर्नीचर, बैम्बूज के आप बाकी जो बर्तन वगैरह बनाते हैं हम उसकी ट्रेनिंग देंगे। वो बैम्बूज के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज दिया है कि इस वक्त जो बजट में 12-13 करोड़ के लगभग बैम्बूज के ऊपर, 1300 करोड़ के लगभग बैम्बूज के ऊपर हिमाचल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट और बाकी क्षेत्रों में खर्च करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी विशेष आग्रह है कि जो हमारा गरीब क्षेत्र है जहां अधिक से अधिक हम स्वरोजगार के साधन हम पैदा कर सकें, और निचला जो घुमारमी का एरिया है या मंडी का ऊपर का एरिया जहां रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े के ऊपर ही ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करिए। सेरिकल्चर जो डिपार्टमेंट है, सेरिकल्चर में भी गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे रही है ताकि उसका रेशम का जो धागा हम यहाँ पैदा करके जो हमारा वीविंग है उसमें यूज़ करें और अच्छी किस्म की हमारी शॉलें तैयार हों, मफलर तैयार हों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष इसके ऊपर ध्यान है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।